My name is Shobha. In today's video, I'm going to review for a product which is from the brand Insight. And yes, if you are new to my channel, please consider subscribing and also press that bell icon next to it so that you will never miss any of my videos. And yes, don't forget to follow me on Instagram. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एंड मैं Insight ब्रांड के जिस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो एक लिप कलर है. एंड खासियत क्या है इस लिप कलर की कि ये नॉन ट्रांसफरेबल लिप कलर है. मीन्स मेरे को रिक्वेस्ट आया था कि आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करो जो कि अंडर 100 या 150 हो. तो जिन्होंने भी ये मैसेज किया था, डियर मैं कुछ प्रोडक्ट्स अभी रिसेंटली परचेस की हूँ जो कि अंडर 100 या 150 में हो, तो मैं धीरे धीरे करके रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. तो उसमें से एक ये वाला भी प्रोडक्ट है इनसाइट का, जो कि काफी ही अच्छा एंड काफी रीजनेबल है. इसका जो प्राइस है वो है 90 रुपीज ओनली. एंड आप लोग बोलोगे कि इतना सस्ते में ये कैसा लिपस्टिक होगा या लिप कलर होगा, वो अभी मैं फर्दर आप लोग को बताऊंगी कि ये बहुत ही अच्छा क्यों है. एंड इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 5 ईयर की दी गई है. डियर सोच सकते हो 5 ईयर आप इस वाले लिप कलर को यूज कर सकते हो. इतना लॉन्ग टाइम तो आई डोंट थिंक सो कि हम लोग कोई लिप कलर में हम लोगों का चलता भी होगा. मीन्स 2-3 साल हार्डली चल जाए तो बहुत ज्यादा है, या फिर उसके बाद कुछ नया शेड आ जाता है तो हम लोग वो शेड परचेज कर लेते हैं एंड पुराना शेड ऐवे ही रखा रह जाता है. एंड ये जो लिप कलर है ये क्लेम करता है कि ये वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग वियर है, मैट टेक्सचर देगा. एंड इसका जो कलर है जैसा आपको दिख रहा है बिल्कुल ट्रू कलर है अपने कलर्स पे. एंड ये मेरा फर्स्ट परचेज है जो मैंने इनसाइट से किया है. एंड इनसाइट के आई थिंक मैंने पहले बहुत टाइम पहले प्राइमर यूज किया था विच इज ऑल्सो गुड, काफी अच्छा मेरे को कम प्राइस में मिला था वो प्राइमर. एंड ये मैंने सेकेंड परचेज किया है, एक लिप कलर है. एंड मैंने एक्चुअली जब इसको परचेज किया था, सही बोलूं मैंने ये सोच के परचेज किया था कि ये जो है ना थोड़ा न्यूड में होएगा, बट ये न्यूड में नहीं, थोड़ा सा बोल सकते हो सिनेमन कलर होता है ना वो कलर पे है. बट फिर भी ठीक है, जिनकी भी अगर बोलते हैं ना कि विटिश कम्प्लेक्शन या हल्की डस्की हो उनके स्किन टोन पे काफी अच्छा होगा. एंड आप देख सकते हो मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है तो मेरे फेस पे भी ओवरऑल मुझे अच्छा ही लग रहा है. एंड यस, इसको मैं आज एटलीस्ट 3री बार अप्लाई कर रही हूँ ये चेक करने के लिए कि ये कितना लॉन्ग टाइम रहता है एंड ये ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ खाने के बाद भी. तो वो सारी चीजें मैंने इसको अप्लाई करके इसके पहले टेस्ट कर लिया है. तो ये देख सकते हैं प्रोडक्ट की जो पैकिंग है ये ऐसे आती है, मीन्स आउटर पैकिंग ऐसे काफी ही रॉयल वाला लुक प्रोवाइड कर रहा है जो इसकी आउटर पैकिंग है. मीन्स ऐसा आपको पैकिंग देख के लगेगा काफी मीन्स कॉस्टली लिपस्टिक हो, बट वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मीन्स लिप कलर जो बोल सकते हो आप. एंड ये आपके लिप्स पे 24 आवर रहेगा, बहुत ही अच्छा है. बट आई डोंट थिंक सो कि ये मेरे लिप्स पे 24 आवर रहा था. मैं ये जरूर बोल सकती हूँ कि 10 से 11 घंटा बिल्कुल रह गया था एंड ट्रांसफर भी नहीं हुआ था. एंड आई थिंक ये इतना रीजनेबल लिप कलर है ना कि ये हर किसी के बोलते हैं ना कि मेकअप एसेंशियल्स में बिल्कुल होना चाहिए, इसमें काफी कलर्स मिल जाएंगे. एंड आई थिंक मैंने इसको पर्पल या नायका किसी से परचेज किया था, मुझे एक्चुअली याद नहीं है प्रॉपरली. तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी प्रोडक्ट का, सो दैट अगर और भी कोई परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग जाके वहां से परचेज कर सकते हो अपने जो भी शेड्स आपको पसंद हो. काफी सारे इसमें शेड्स हैं तो अपने शेड्स के अकॉर्डिंग या अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग यू कैन परचेज फ्रॉम देयर. एंड ये आप देख सकते हो इनर इसकी ऐसे है, काफी अच्छा. एंड यस, मैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी बताना भूल गई आप लोगों को. इसकी जो क्वांटिटी है, यस वेयर इज द क्वांटिटी, इज 4 ml. एंड ये जो शेड है ये है कॉफी कमांड शेड नंबर 11. तो ये देख सकते हो इसके बैक साइड में यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है. एंड काफी अच्छा है, क्यूट है, छोटा सा है. एंड अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो काफी अच्छे से ये आपका बहुत कम स्पेस में आ जाएगा. चलिए मैं इसका एक स्वैच करके पहले आप लोग को शो करती हूँ एंड उसके बाद फिर मैं लिप्स पे तो अप्लाई की हूँ, इसके ऊपर भी एक कोट आप लोग को अप्लाई करके शो करूंगी सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ और अप्लाई किया है एंड कुछ और का रिव्यू करी हूँ. सो दैट्स वाई वो आप लोगों के साथ क्लियर हो जाए. तो ये देख सकते हैं इसकी जो ब्रिशल्स है ये काफी अच्छी है. एज यू कैन सी आप देख सकते हो काफी जो छोटा सा होता है ना ये ब्रिशल अप्लाई करने में काफी इजिली होता है, काफी हैंडल होता है. एंड इसका टेक्सचर बोलूं काफी अच्छा वाला है, बिल्कुल बोलते ना क्रीमी जैसा बोल सकते हो वैसा है. एंड तुरंत से ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है, मीन्स आपको ड्राई होने में काफी टाइम नहीं लेता है एंड काफी अच्छा है. एंड अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूं तो इसकी फ्रेग्रेंस इसमें हल्की सी जो बोल सकते हो आप मीन्स चॉकलेटी या वैनिला वाला उस टाइप का इसका फ्रेग्रेंस है. तो इसमें कुछ वैसा हार्ड फ्रेग्रेंस भी नहीं है यूज किया हुआ है. तो चलिए एक स्वैच करती हूँ मैं पहले आप लोग के सामने. आप देख सकते हो इसका जो एक्यूरेट कलर, एक बार और ये देख सकते हो
इसका जो एक्यूरेट कलर आएगा वो ये आने वाला है। एंड हैंड पे तो काफी सुंदर लग रहा है, बट लिप्स पे आप देख सकते हो यही मैंने अप्लाई किया, काफी अच्छा लग रहा है। आप इसको थोड़ा सा अगर जैसे मैंने भी मरून वियर किया उसके साथ भी कर सकते हो। एंड काफी लोगों को ये शेड बहुत पसंद होता है, तो जिनको भी पसंद हो वो लोग ये शेड परचेज कर सकते हो, काफी अच्छा है। प्राइस इज ऑल्सो रिजनेबल, मीन्स बहुत कॉस्टली नहीं है, हर कोई इसको परचेज कर सकता है। एंड बहुत सारे कलेक्शंस हो जाएंगे आपके पास इसमें अगर डिफरेंट कलर आप परचेज करोगे तो। एंड सबसे अच्छा कि लॉन्ग वियर है, ट्रांसफर नहीं होता, तो मैं वो भी अभी आप लोग को शो करूंगी कि ट्रांसफर होता है या नहीं होता है, या स्मज होता है या नहीं होता है, वो सारी चीजें मैं आप लोग को लाइवली शो करूंगी अभी। तो चलिए मैं एक बार इसको आप लोग के सामने अपने लिप्स पे अप्लाई करके शो करती हूँ, एंड उसके बाद फिर मैं ट्रांसफर टेस्ट भी आप लोग को दे दूंगी। आप लोग देख सकते हो काफी अच्छा सा कलर आया है, बिल्कुल जो आपको इसके बाहर से कलर दिख रहा है ना सेम कलर है, ऐसा नहीं कि अंदर से कुछ और दिख रहा है, बाहर आने पे आप लोग के लिप्स पे कुछ और शो हो। एंड सबसे अच्छा आपको बाहर से ही इसका जो शेड है वो पता चल जाता है, जो काफी अच्छा है। एंड यस, आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे को कि मेरे लिप्स पे ये शेड कैसा लग रहा है, बिकॉज इसके पहले मैंने ऐसा वाला मीन्स ये कलर सिनेमन या ब्राउनीस आप बोल सकते हो या कॉफी कलर जो भी आप बोलो वो शेड मैंने कभी नहीं अप्लाई किया था, पता यही सोच के कि पता नहीं मेरे लिप्स पे कैसा लगेगा या नहीं लगेगा, मेरे फेस पे सूट करेगा या नहीं करेगा। तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा सो दैट मेरे को लगे हाँ यार मैं ऐसे शेड्स और परचेज कर सकती हूँ, बिकॉज ये मेरे फेस पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिकॉज सामने से देख के जो बता सकते हैं ना वो खुद पे सम टाइम नहीं पता चलता है, तो प्लीज आप लोग ये एक फेवर कर सकते हो मेरे लिए कि कमेंट करके बताइएगा कि ये मेरे लिप्स पे कलर सूट कर रहा है, मेरे फेस पे कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देख सकते हो ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ट्रांसफर बिल्कुल नहीं हो रहा है। एंड मैं एक बार ये वाटर जो है, एक्चुअली मैंने ये टोनर की बॉटल मेरी खाली हो चुकी थी उस पर मैंने वाटर भर लिया है, सो दैट मैं आप लोग को एक बार वाटर टेस्ट भी करा दूं। आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी स्मज नहीं हो रहा है। मैं पैड ड्राई कर लेती हूँ टॉवल से, एंड आप देख सकते हो मेरे फिंगर पे बिल्कुल भी आपको ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा, दिख रहा है आपको कहीं से ट्रांसफर नहीं हो रहा है, स्मज नहीं हो रहा है। और क्या चाहिए आपको लिपस्टिक में बताइए, बहुत ही अच्छा है। चलिए मैं एक बार ये भी देख लेती हूँ कि खाने पीने पे ये ट्रांसफर होता है या नहीं होता है। ये आप देख सकते हो ये बिल्कुल अभी इस पे कहीं भी लिप्स के निशान नहीं है। है ना, ट्रांसफर भी नहीं हो रहा। अगेन मैं एक बार ट्राई करूंगी बिकॉज मुझे प्यास भी लग रही है, तो साथ में वो भी पी लूं। बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हुआ ग्लासेस पे आप देख सकते हो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये ट्रांसफर बिल्कुल नहीं हुआ। मैं एक बार और शो करना चाहूंगी आप लोगों को कि यूं करके आप देख रहे हो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक है। एज यू कैन सी काफी अच्छा है। एंड यस, ये लॉन्ग टाइम जाएगा बिकॉज ये ट्रांसफर नहीं होगा, तो आपके लिप्स पे स्टे रहेगा। एंड होता क्या कि हम खाते पीते हैं तो ही ये ट्रांसफर होता है, फिर हमें टचअप की नीड पड़ती है। तो आपके सामने ही दिख रहा है कि ये बिल्कुल से ट्रांसफर नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं हुआ, स्मज भी नहीं हो रहा है। एज यू कैन सी इतना रब करने के बाद भी ये स्मज नहीं हो रहा है, ना ही पीने के बाद। आप देख सकते हो मैं कितनी फोर्सली इस पे लिप्स के निशान डाल रही हूँ, एंड उसके बाद भी ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो और गर्ल्स को लिपस्टिक में आई डोंट थिंक सो कि कुछ इससे ज्यादा चाहिए। तो जहां तक मैं ये बात करूँ कि ये लिप कलर अप्लाई करने के बाद क्या लिप्स ड्राई हो रही है, पैची हो रही है, तो वो भी बिल्कुल नहीं हो रही है। एज यू कैन सी आप देख सकते हो बिल्कुल सॉफ्ट है मेरी लिप्स, एकदम ऐसा लग रहा है ना मैंने इसके पहले बाम अप्लाई किया था, बट डियर मैं जब मेकअप करी थी तो मैं बाम अप्लाई करना बिल्कुल से भूल गई थी। एंड उसके बाद भी मेरी लिप्स जो है बिल्कुल सॉफ्ट है, एकदम मॉइस्चराइज है, एंड बिल्कुल ड्राई नहीं लग रही, फ्लेकी नहीं लग रही, खिंची खिंची सी जो लगती है ना आप जब लिप कलर अप्लाई करोगे तो वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मुझे इसको अप्लाई करने के बाद। एंड आप देख सकते हो ये कहीं से ट्रांसफर नहीं हो रहा है। एंड कुछ भी चिपचिपा भी नहीं है, तो काफी अच्छा वाला। एंड
₹90 में आपको और क्या चाहिए गाइस। तो आप लोग बिल्कुल ये वाला लिप कलर परचेज कर सकते हो एंड इसमें काफी शेड्स है। मैं आगे इसकी और भी शेड्स परचेज करूंगी एंड जब परचेज करूंगी तो ऑब्वियसली बात है रिव्यू तो आप लोगों के साथ शेयर होना ही है। तो गाइज आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा एंड अभी फेस्टिव आ रहा है तो हमें ऐसे ही लिपस्टिक या लिप कलर चाहिए तो सो दैट लॉन्ग टाइम स्टे हो एंड उसके बाद वेडिंग सीजन भी आने वाला है तो आप लोग ऐसे कलेक्शंस में अपने मीन्स मेकअप किट में ऐसे कलर्स को ऐड कर सकते हो जो कि लॉन्ग टाइम हो। एंड अगर कोई ऑफिस वेयर गर्ल्स हो जो लोग को होता ना कि लॉन्ग टाइम लिप कलर अप्लाई करना होता है तो आप थोड़ा लाइट पिंक या न्यूड में भी परचेस करके बिल्कुल ऑल डे बिल्कुल ना टेंशन फ्री रह सकते हो कि मेरे को टचअप की नीड नहीं होगी। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज फटाफट से जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो लेके बहुत जल्द मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।